संत मत के मूल आधार। हर किसी आध्यात्मिक विचारधारा की कुछ मूल मान्यताएं या अवधारणाएं होती है, जिनको समझे बिना उस आध्यात्मिक विचारधारा के गूढ़ मर्म को नहीं समझा जा सकता। दयालु स्वामी जी साहब ने फरमाया कि परमार्थ में बहुत सूक्ष्म बारीकियां यानी गूढ़ मर्म हैं, उनको समझना जरूरी है। संत मत की फिलॉसफी संतों के निजी प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है, इसमें अनुमान का कहीं सहारा नहीं लिया गया है। दरअसल संत मत में अनुमान का सहारा लेने की कहीं भी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संत मत की फिलॉसफी का आधार आस्था, विश्वास, प्रेम तथा साक्षात्कार है। भौतिकवादी, जिन्हें हम पदार्थवादी भी कह सकते हैं, उनकी संत मत में कोई जगह नहीं है। भौतिकवादी, जिन्हें हम पदार्थवादी भी कह सकते हैं, उनकी संत मत में कोई जगह ही नहीं है। रूहानियत में परमार्थ, परोपकार, सबका मंगल और प्रेम है। भौतिकवाद स्वार्थ की भावना पर टिका है। स्वार्थ भावना से मतभेद खड़े होते हैं, क्योंकि माया ने ब्रह्मजाल रचकर सबके स्वार्थ भी भिन्न भिन्न खड़े कर दिए हैं, या कम से कम हमें ऐसा महसूस करा दिया है। भिन्न भिन्न स्वार्थ होने से स्वार्थों का आपस में टकराव होता है, और वही एक आत्मा से दूसरी आत्मा के दूर जाने का और विरोध का कारण बनता है। संत मत का मूल ध्येय जीव की भौतिक उन्नति नहीं, वरन आध्यात्मिक कल्याण है। लेकिन संत मत का उद्देश्य इतना दिव्य व पवित्र है कि यदि पूरी दुनिया के मनुष्य संत मत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो यह पूरी दुनिया स्वर्ग नहीं बल्कि सत्य देश का नमूना बन जावे। कारण संत मत के हर विचार के मूल में प्रेम है, जबकि काल व माया की रचना का मूल मंत्र स्वार्थ है। सुर नर मुनि सब के यरीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। संत मत का मूल उद्देश्य सच्चे प्रभु की अंश जीवात्मा को अपने उन्हें अपने भंडार यानी सच्चे प्रभु से मिलाना है। संत मत का उद्देश्य संसार का सुधार नहीं बल्कि जीवात्मा का सुधार है। गौण रूप से इससे संसार अपने आप सुधर जाता है। संसार क्या है? बहुत से जीव दशा को प्राप्त हुए प्रभु की अंश सूरतों का वर्तमान समय का निवास स्थान। यदि सभी जीव भले, सज्जन, भक्तिमय, निस्वार्थ और प्रेममय दशा को प्राप्त कर लें, तो संसार अपने आप प्रेममय हो जाएगा। जीव का स्वरूप, सुरत आत्मा और जीव, ये एक ही शक्ति की भिन्न भिन्न दशाओं और अवस्थाओं में भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं। सत्य देश में प्रभु की अंश सुरत निर्मल है। प्रभु निर्मल चैतन्य के असीम भंडार हैं, तो वहां उनसे प्रकट उन्हीं की अंश निर्मल चैतन्य की धारा का नाम सुरत है। सुरत में वे सभी गुण और जौहर हैं जो उसके भंडार सत्य पुरुष सदगुरु दयाल में है। सत्य देश में कोई मिलावट, कोई मलिनता और कोई रुकावट और विघ्न और विकार नहीं है, तो सुरत अपने स्वामी में रत और लीन है। वहां इसका स्वरूप स्वरत है। स्व माने निज और रत माने लीन, यानी सुरत वहां अपने भंडार में तद्रूप और लीन है। इस स्वरत दशा में सुरत अपने स्वामी की तरह निर्मल चैतन्य, आनंद, सत्य और प्रेम स्वरूप है। सत्य देश में सुरत का स्वरूप सर्व समर्थ ज्ञान रूप और प्रकाशमयी है। उसमें वे सभी गुण और जौहर मौजूद हैं जो उसके भंडार सच्चे प्रभु में है। जैसे बीज में पूरा पेड़ सूक्ष्म तौर पर मौजूद होता है, वैसे ही सुरत में सभी जौहर हैं। सूरज से जो किरणें निकलती है वे सूरज की तरह प्रकाशवान और ऊर्जावान होती है। यह रिश्ता भंडार और उससे निकलने वाली धार के समान है। अरूप, अनाम,
प्रेम समुद्र प्रभु ने जब अपना इजहार किया तो उन्होंने सत्य नाम रूप धारण किया। यह निर्मल चैतन्य नाम जहाँ पर भंडार रूप है वहाँ इसे सतगुरु शब्द, और जहाँ धारा या प्रवाह रूप है वहाँ इसे सुरत कहा गया है। सत्य नाम या सतगुरु शब्द सुरत का स्वामी और भंडार रूप है, और सुरत उसकी अंश या धार रूप है। अनादि अवस्था में शब्द व सुरत दोनों अनामी पुरुष में अभेद थे। यही प्रेम से प्रकट आदि प्रीतम और आदि प्रेमी है। इसके बाद की तमाम रचना प्रीतम व प्रेमी के बीच प्रेम का विस्तार है। संतों ने इसे इस तरह भी समझाया कि सच्चे प्रभु प्रेम के अथाह भंडार और सुरत उस प्रेम समुद्र की बूंद है। आत्मा ऊपर वर्णित सुरत की शक्ति से पूर्ण निर्मायिक सत्य देश रचा गया, जहाँ काल माया मन जड़ता या विकार बिल्कुल नहीं है। उसी सत्य देश की सीमा पर जो सुरत थी वह सत्य देश के नीचे के खंड में मौजूद और व्याप्त माया के संग में आई। उसने माया में तवज्जह दी। सुरत के तवज्जह के प्रताप से माया रोशन हुई, उसका जोहर फैला। उसके वैभव और ऐश्वर्य से ललचाकर वह मूल सुरत माया देश में उतर गई। माया के आवरण या पर्दे में आते ही उस पर भूल छा गई। अपने स्वामी और अपने घर को छोड़कर माया देश में वह सुरत आई और सुरत की शक्ति से वहां सोहम पद रचा गया। इस मुकाम को सत्य देश की झाई या प्रतिबिंब जैसा मान सकते हैं। सुरत अपने आप को और अपने स्वामी को भूलकर खुद को ही सच्चा करतार मानने लगी। यही अहंकार की उत्पत्ति है, जो नीचे की कुल रचना का कारण तत्व है। सोहम सोहम यानी वह मैं ही हूँ, इस शब्द के साथ सोम पद रचा गया। यह पहला विकार सुरत के निर्मल रूप पर चढ़ा, जिससे फिर सुरत अपने स्वामी से लगातार दूर और माया के भीतर गहराई तक पेटती गई। भूमि परत बाडाबर पानी इमि जीव माया लपटाने। प्रभु की वंश जो सत्य देश में सुरत स्वरूप थी, माया देश में आकर जब अपने स्वामी को ही भूल गई और अपने आप को भूल से कर्ता मानने लगी तो वह आत्मा कहलाई। इसलिए सनातन धर्म के शास्त्रों और वेदों ने आत्मा को ही सर्वस्व माना है। कहा गया है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। इस स्थान पर यानी ब्रह्मांड की रचना में आत्मा पर विद्या माया का पर्दा चढ़ा है। विद्या माया में सृष्टि रचना का ज्ञान है। इसे इस शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। आत्मा को पुरुष और विद्या माया को प्रकृति कहकर इनको ही पूरी रचना की आधार शक्ति बताया गया। संत मत के अनुसार सत्य की अंश सुरत जब निर्मल माया यानी विद्या माया या प्रकृति के आवरण में आ गई तब वह आत्मा कहलाई। सुरत का आत्मा रूप भी अपने सच्चे स्वामी से दूर है। सच्चे स्वामी वह अपने निज घर को तथा अपने आप को भूला हुआ रूप है। तभी तो ये कहा जाता है कि हमारी आत्मा सोई हुई है या कि आत्मा को जागृत करना है। इसे सत्य शब्द की मदद से जगाना या भूल से बाहर निकालना ही संत मत के अनुसार अध्यात्म का उद्देश्य है। जीव वही सुरत माया देश में रचना करती करती जब और अधिक जड़ माया के दायरे में आई तो इस पर ठोस माया का पर्दा चढ़ा। ठोस जड़ और मलिन माया जिसमें चैतन्य न्यून है इसे अविद्या कहा गया। अविद्या तम अज्ञान मोह और स्वार्थ रूप है। अविद्या माया में विकार बहुत हैं। अविद्या माया के मसाले के बने विकार युक्त और मलिन शरीरों में मलिन अंतःकरणों के साथ जो सुरत कैद में आ गई वह जीव कहलाई। अविद्या माया की इन देहियों में भी जो सुरत कैद है तो वह भी निर्मल चैतन्य सत्य की अंश, किंतु माया मन और इंद्रियों के पिंजरे में कैद है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गुसाई बंद्यो कीर मर कट की नाही। दयालु स्वामी जी साहब ने फरमाया कि जब किरण सूरज में अभेद थी तब वह सूरज ही थी, सूरज के समान तेजस्वी और प्रतापी थी। वही किरण सूरज से चलकर पृथ्वी पर आई तो यहाँ सूरज की रोशनी प्रकाश ऊर्जा और तेज लेकर आई। उसी से पृथ्वी पर जीवन रचा गया। जब पृथ्वी पर आंधी चली तो किरण का प्रकाश तेज और ऊर्जा मारी गई, किंतु सूरज तक कोई आंधी कभी नहीं पहुंचती। यदि वही किरण लौटकर पुनः सूरज में समा जावे तो वापस अपने मूल स्वरूप सूरज को प्राप्त कर लेगी। सत्य की अंश सूरत और फिर आत्मा और फिर जीव दशा को प्राप्त होने पर भी सूरत सदैव सत्य ही है। काल की इस रचना के बाकी सभी उपादान माया से बने हुए हैं, इसलिए झूठे हैं और सदैव ही बनते बिगड़ते रहते हैं। किंतु सूरत यहाँ यानी माया देश की नहीं बनी है, यह सत्य देश की वासी और सत्य पुरुष की अंश है। स्वयं सत्य तथा अविनाशी है। सूरत की मौत नहीं होती, जिसे हम मौत कहते हैं वह उस शरीर की मौत है जो सूरत का एक अल्पकालिक ठिकाना है। शरीर या तन सभी माया के मसाले के बने हैं जो कि झूठ है, इसलिए काल इनका भक्षण कर जाता है। माया देश की रचना के इस खंड की रचना में यानी कि मृत्यु लोक में सूरत को स्थूल तत्वों से बने स्थूल शरीर के पर्दे या आवरण में रहना पड़ता है। यह सूरत की मजबूरी है। इस जगह पर बिना तन के खोल या आवरण के बिना यहाँ सूरत काम नहीं कर सकती। जब किसी के बहुत घोर पाप कर्म होते हैं और उसके पाप कर्मों के दंड के फल स्वरूप उससे स्थूल शरीर छीन लिया जाता है, तब आत्मा यानी रूह सूक्ष्म शरीर में रहकर भूत योनि का कष्ट भुगतती है। कोई भी काम या कर्म नहीं कर सकती, केवल दुख पाती है। ये आत्मा या चैतन्य सूरत की माया देश में परवस्ता है। अपने स्वयं के घर यानी सत्य देश में सूरत शरीर यानी इंद्रियों की मोहताज नहीं है। यहाँ जो हम ब्रह्मवश ऐसा मान लेते हैं कि हमारी आंखें देखती है, हमारे कान सुनते हैं, वह गलत है। ज्ञानेन्द्रियां सूरत के औजार है। देखना या सुनना सूरत की शक्ति से होता है। अपने निज घर में सूरत बिना इंद्रियों की मदद के सभी काम करती है। गुसाई जी रामचरित मानस में सूरत के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना कर बिनु कर्म करै विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी आनन रहित सकल रस भोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहि ग्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाय नहीं बरणी। जैसे बिजली की मोटर व यंत्र चलते हैं, हमें चलते हुए या काम करते हुए ये औजारें व मशीनें दिखती है, किंतु ये मशीनें तो जड़ हैं। ये तो बिजली की शक्ति के क्रियाशील होने के माध्यम पर हैं। पावर तो बिजली की है। इसी तरह यहाँ माया देश में सूरत इंद्रियों रूपी औजारों की मोहताज है। ब्रह्म बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। यहाँ पर तो सूरत की यह परवस्था है कि यहाँ अपने अस्तित्व के इजहार के लिए आत्मा इस स्थूल शरीर इंद्रियों और मन पर निर्भर है, किंतु निर्माइक देश सत्य लोक में सूरत इन जड़ माध्यमों के पराधीन नहीं है। वहाँ सूरत बिना जीव के बोलना, बिना आंख के देखना और सभी काम करती है।
सतगुरु तुलसी साहब जी ने फरमाया कि सूरत बड़ी अलौकिक करने वाली है और सूरत की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। सूरत के सामर्थ्य की यहाँ कोई दूसरी मिसाल नहीं है, लेकिन मन माया और इंद्रियों के पर्दे के कारण पराधीन होने से सूरत स्वतंत्र नहीं है। यही एकमात्र कारण सूरत के दुखी रहने का भी है। सूरत तो सुख सिंध की वासी है, इसके दुखों का मूल है अपने मूल या भंडार से बिछुड़ जाना। सूरत का भंडार शब्द है, जब से शब्द को भूली या शब्द से दूर हुई, तभी से दुखों से ऐसी गिरी कि अब छोटे मोटे काम करने के लिए भी इंद्रियों की मोहताज है। जब वापस लौटकर नाम से अपनी प्रीत को जोड़ेगी तो दुखों से छूट भी सकती है। जड़ मन, जड़ अंतःकरण और जड़ इंद्रियों के साथ इसका गहरा बंधन यानी गांठ पड़ गई है। मन और मन का विस्तार जगत ही इसके बंधन का मूल है। सूरत तू दुखी रहे हम जाने, जा दिन से तुम शब्द बिसारा, मन संग यारी ठानी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुबानी, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत बुलानी, तू चेतन ये जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। जड़ यानी माया की वस्तुएं ही, यानी वे पदार्थ जो माया की मदद से रचे गए वे ही नष्ट होते हैं। सत्य अविनाशी वस्तु का नाम है। सत्य वह है जो सदाई रहता है। सूरत अपने स्वामी सत्य पुरुष की तरह सत्य स्वरूप, ज्ञान, आनंद और प्रकाश रूप तथा जन्म मरण के परे है। सूरत अपने शुद्ध रूप में इस माया देश में नहीं रह सकती। यदि हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य अपनी पृथ्वी पर उतर आवे या नजदीक आ जावे तो हम बच नहीं सकते। बिना वायुमंडल के आवरण के धूप भी सहन नहीं की जा सकती। इसी तरह सूरत को माया के देश में जड़ तत्वों का बना शरीर रूपी आवरण या पर्दा धारण करना पड़ता है। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर आदि पांच जीने पर्दे और हैं, जिनको देहिया कहते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में हमें वहां की जलवायु के अनुकूल कपड़े पहनने पड़ते हैं। जीवात्मा मन और इंद्रियों के आवरण में बैठकर मन और इंद्रियों के सहयोग से यहाँ कर्म करती है और इस तरह मन की प्रेरणा से किए गए कर्मों का बहुत मजबूत जाल भी इसके बंधनों का एक बड़ा कारण है। जो जो काम माया के देश में करेगी, भले ही वे काम मन और इंद्रियों की प्रेरणा से किए गए हों, उनके परिणाम की भी जिम्मेदारी इसी जीव आत्मा की है। पहले भूतकाल में जो जो काम कर लिए उनके असर और प्रभाव, फिर वही माया में फंसने वाले काम करते रहने को सूरत यहाँ मजबूर हो गई है। माया के धोखे, भ्रम व संशयवश अब सत्य असत्य या खोटे खरे को परखने का विवेक ही नहीं बचा। इस विकट धोखे से तभी बच सकती है जब सच्चे पूरे सतगुरु किसी जीव को मिल जावे। भव जल अगम अथाह थाह, नहीं मिले ठिकाना, सतगुरु के वट मिले पार, घर अपना जाना, जग रचना जंजाल जीव माया ने घेरा, अरे हाँ तुलसी लोभ मोह बस परे, करे चौरासी फेरा। जो अजर अमर अविनाशी सुख निदान प्रभु की अंश है, वही जीवात्मा अब काल माया
मन और कर्मों की कैद में पड़कर अपने घर को भूल गई। यह भी भूल गई कि मन और इंद्रियां इस सूरत जीवात्मा की नौकर हैं, इसकी सेवा और ताबेदारी के लिए इनको रचा गया है। माया के बस भ्रमित बुद्धि के कारण माया के सुखों की भिखारी बनकर अपने कुल की इज्जत और मर्यादा और बड़प्पन को भूलकर मन और माया की सूरत यहाँ गुलामी कर रही है। इसलिए भावचक्र में पड़ी जन्म मरण के असह्य दुख भोगने को मजबूर है। काल चक्र का पड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खावे जक झोला, जन्म अनेक झूलते बीते, जम झोंटन के सहे पजीते, धर्म राय नित करे खुवारी, नरकन में भोगे दुख बारी, कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा, प्यादों के संग इज्जत खोती, सत्त नाम कुल की थी गोती, गोत लजाया जात गवाई, तो भी मन में लाजन आई, लाज करी तो अपने कुल की, सुध भूली सब अपने कुल की, कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना जहाँ कोई न पहुंचा, सत्य स्वरूप परमात्मा। जो दिसे सो है नहीं, है सो कया न जाए, सेना बेना कई समझाओ, गूंगे का गुड़ भाई। जैन बौद्ध और सांख्य मत वालों ने ईश्वर यानी परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार किया। इसका कारण यह है कि एक तो वह मालिक अनिर्वचनीय है, दूसरे प्रेम के सिवाय और किसी उपाय या समझदारी या प्रतिभा या ज्ञान से भी मालिक परख में नहीं आता, तीसरे वह प्रभु बेपरवाह और बेमिसाल है, जहाँ प्रेम नहीं हो वहाँ वह अपने आप को जताता भी नहीं, यानी अपने आप को जाहिर और प्रकट भी नहीं करता। लेकिन सतगुरु मत या संत मत प्रेम प्रधान मत बल्कि प्रेम पंत ही है। संत मत मालिक के अस्तित्व को केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि यह भी मानता है कि केवल एक वही तो है, दूसरा कुछ तो है ही नहीं। जो कुछ अनेक रंग रूप वाली रंग बिरंगी दुनिया है वह उस एक प्रभु का ही विस्तार है। यहाँ एक कहने से मतलब यह है कि पूर्ण अद्वैत की दशा में वही एक हस्ती है। गुरु धनी धर्मदास जी साहब फरमाते हैं, जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है, नहीं दूसरा कोई है उससे न्यारा, वो अपने में आप ही बुलाया हुआ है, हर एक से जो हैगी वो रंगी बरंगी, ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है, जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है। उसी पूर्ण अद्वैत की अवस्था में से यह सृष्टि उसी प्रभु की मौज से प्रकट होकर विस्तार और फैलाव लेती है। यह उसी अरूप प्रभु का रूप है। जब तक जहां और जैसी उन प्रभु की मौज होती है तब तक उस खंड या भाग में वैसी ही रचना उस प्रभु की प्रसन्नता के लिए कायम रहती है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए तमाम रचना रचने के लिए, प्रभु को जाहिर करने के लिए, प्रभु के वैभव विस्तार के लिए जो शक्ति प्रकट हुई
वह प्रभु का नाम या शब्द कहलाई। अनामी और निराकार अनादि पुरुष प्रेम के अक्षय भंडार हैं। उनसे जो प्रथम शक्ति का भंडार प्रकट हुआ वह प्रेम स्वरूप सत्य स्वरूप और निर्मल चैतन्य रूप था। प्रभु का यह सत्य स्वरूप आदि पुरुष या सत्य नाम सतगुरु दयाल कहलाया। यह आदि रूप सदा एक रस रहने वाला अजर अमर अविनाशी था, इसलिए यह सत्य कहलाया। सत्य सदा रहने वाले अस्तित्व की लहर है जो टिकाऊ है। सत्य से मतलब एक ऐसी हस्ती या परम तत्व से भी है जो कि काल्पनिक न होकर एक हकीकत है। प्रभु का अनादि रूप प्रेम स्वरूप व अनाम है। प्रभु का आदि रूप नाम व रूप संयुक्त है। ज्ञानियों को जो प्रभु किसी भी तरह से समझ में नहीं आता, वही प्रेमी भक्तों को वह मालिक बेहद दयालु अतीव वैभवशाली परम सुंदर करुणामय ममतामय दयामय सर्व गुणों की खान सर्व शक्तियों का भंडार सभी शक्तियों को शक्ति देने वाला सर्वशक्तिधीश्वर सच्चिदानंद घन और अपना प्यारा स्वामी नजर आता है। प्रेम के प्रताप से ही प्रेमियों को उन प्रभु की महिमा समझ में आती है। भक्तों को तो प्रभु क्षमा सागर सुख का दरिया पापियों को पावन करने वाला अनाथों का नाथ निर्बलों और असहायों का सहायक गरीब नवाज दीनों का बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दुख निवारक और संकट मोचन नजर आता है। यह सभी और ऐसे अनंत गुणों का आश्रय व सत्य देश का धनी सुरत का स्वामी रचना का सच्चा करतार स्वयं भू प्रभु है, जिसे संत मत के आचार्य संतों ने सत्य पुरुष सदगुरु दयाल कहा है। वह मालिक वाहिद हू ला शरीक है, जिसे हिंदी भाषा में संतों ने अकह अलख अगम अनंत और अपार कहा है। मतलब यह है कि उन प्रभु का और कोई दूसरा सानी नहीं है, अपने जैसा वह आप एक ही है। उसके अलावा उसके बगैर कोई दूसरा जब है ही नहीं तो उस मालिक को कैसा बतावें और उसकी तुलना किससे करें। सद्गुरु नानक साहब ने उसे सत्य स्वरूप परम सुहावना और आनंद रूप बताया है। सनातन धर्म के शास्त्र उसे सतचित आनंद कहते हैं। सारी सृष्टि यानी कायनात उसी से उत्पन्न होती है, उसी में उत्पन्न होती है, सब कुछ उसी के पेटे या घेरे में है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं है, सभी कुछ उसी में लय होता है। फिर भी वह मालिक सबसे निर्लेप और सबसे न्यारा भी है, ऐसा वह अद्भुत और अचरज स्वामी है। सिंधु अथा है अगाध अचल है जाको वारन पारा वाकी लहर मिटत वाही में कौन तरे को तारा भीतर बाहर पूरी रयो है अंड पिंड सुन्यारा सुख देवा गुरु भेद बतायो चरण दासावारा। जो अपनी हस्ती अस्तित्व शक्ति ज्ञान और प्रकाश के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है उसे स्वयंभू कहते हैं। जो जन्म मरण के बंधनों से आजाद सदा एक रस एक रंग एक रूप रहने वाला है वही अविनाशी और सत्य है। जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते या जो परमात्मा को एक काल्पनिक आदर्श मानते हैं वे तर्क देते हैं कि परमात्मा की बनाई इस रचना में कई त्रुटियां हैं, यहाँ अधूरापन है और दुख भी है। ऐसे लोग मानते हैं कि सृष्टि कुछ विशेष अपरिवर्तनीय नियमों के बल और आधार पर चल रही है और इन नियमों को हम कोई भी नाम या संज्ञा दे सकते हैं।
संत मत इस विचारधारा से सहमत नहीं है। यदि यह मान भी लिया जावे कि सृष्टि कुछ नियमों से चल रही है, तो भी नियम चूंकि अपने आप में जड़ हैं, इसलिए नियमों का संचालन करने वाली चेतन शक्ति, जिसे नियमों की भाषा में नियामक कहेंगे, उसका अस्तित्व फिर भी मानना पड़ेगा। फिर हम यह भी देखते हैं कि प्रकृति के जड़ नियम अपने आप में तो विरोधी हैं, वे किसी परम चैतन्य सत्ता के अंकुश में अपना विरोध त्याग कर रचना संचालन में सहयोग कर रहे हैं। संत मत यह मानता है कि मालिक या भगवंत या परमात्मा या साहिब कोरी कल्पना, ख्याल, सिद्धांत और नियम न होकर एक वास्तविक वजूद, सत्ता, शक्ति और मधुर अस्तित्व है, जो परम प्रेममयी और अत्यंत मधुर, अतीव सुंदर, ज्ञानमय, प्रकाशमय, आनंद स्वरूप है, जिसका अनुभव, साक्षात्कार, दर्शन या मिलाप भी जिससे किया जा सकता है। वही सबके आदि और अंत है। उसका आधार कोई दूसरी शक्ति नहीं, किंतु वही सबका एकमात्र आधार और अवलंब है। उसके वर्णन में जो विविधता है, वह इसलिए है कि मालिक वर्णन करने और समझने की शक्ति के परे यानी ज्ञान गम्य नहीं है। प्रभु प्रेम गम्य है, ज्ञान से नहीं प्रेम से जाने जा सकते हैं। ऐसे परम सत्य का जब वर्णन करेंगे तो भाषा, समझ, समय और देश की भिन्नता से उस परम सत्य का वर्णन अपने आप ही अलग अलग तरह से हो जाएगा। वेद भी ऐसा कहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। संत मत कहता है कि फिर भी प्रभु अनुभव अतीत नहीं है, प्रभु वर्णन अतीत यानी वर्णन करने के परे अवश्य है, किंतु प्रेम की साधना के द्वारा उन सत्य व प्रेम स्वरूप प्रभु का अनुभव अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि उन अनाम रूप प्रभु ने अपने प्रेमियों को प्रेम सुख प्रदान करने के लिए स्वयं अपनी मौज से सत्य स्वरूप और सत्य नाम धारण किए। प्रभु का सत्य रूप और सत्य नाम ही भक्ति और प्रेम का आधार, भक्तों का सर्वस्व और प्रभु से पुनः मिलाप कराने का माध्यम और जरिया है। इसलिए सतगुरु नानक साहेब जी ने प्रभु को सत्य नाम और अकाल मूर्ति कहा है। आप जपू जी साहेब के आरंभ में मूल श्लोक में फरमाते हैं, एक सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वेर अकाल मूर्ति अजूनी से बम गुरु प्रसादी। वह प्रभु सत्य है, सृष्टि का कर्ता है, निर्भय है और निर्वेर है। वह जन्म मरण और देश काल के बंधनों से मुक्त स्वयं भू है। वह सतगुरु की दया से प्राप्त होता है। यहाँ प्रभु को अकाल मूर्त कहा गया, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है और जन्म मरण से रहित एक सत्य और शाश्वत सत्ता है। मूर्त से मतलब ऐसी वास्तविक सत्ता से है जो अनुभव की जा सकती है, जिसके दर्शन किए जा सकते हैं, जिसका साक्षात्कार भी संभव है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत यानी माया की रचना झूठ है। कभी भी सत्य दो या एक से ज्यादा नहीं हो सकते, सत्य तो एक ही होगा। संत कहते हैं कि जगत उस प्रभु की मौज और लीला है। जब तक प्रभु को मंजूर है तब तक सब कायम है। जो कुछ भी उसे मंजूर नहीं, वही क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसी भाव के समर्थन में या इसी मौज के समर्थन में इसी बात को प्रमाणित करने के लिए माया की इस झूठी और नश्वर रचना को रचा गया है। सत्य का जहूर तभी होगा, सत्य तभी प्रमाणित होगा, जब सामने झूठी व नश्वर वस्तु उपलब्ध होगी। यदि रात ही नहीं होती तो फिर दिन कहाँ उगता और कहाँ समाप्त होता। यदि अंधेरा न होता तो प्रकाश का तेज और उजाला कहाँ विस्तार पाता। ये माया की मृग तृष्णा के समान झूठी रचना
सत्य को तुलनात्मक और सापेक्ष तौर पर परखने की प्रयोगशाला मानी जा सकती है। सभी कुछ मेले गंदे विकार युक्त और न टिकने वाली रचना के बीच एक सदा एक रस रहने वाले अविनाशी परम पवित्र परम दिव्य और सदा स्थिर तत्व को समझाया जा सकता है। जहाँ सभी कुछ चलायमान है उस चलायमान रचना का आधार या धुरी तो कोई अचल सत्ता ही हो सकती है। जैसे रेल दौड़ती है तो उसके लिए पृथ्वी का एक अडिग और स्थिर आधार है। चक्की के पाटों का स्थिर आधार उसकी कील या धुरी है। पटरी और पटरियों को धारण करने वाली धरती न हो तो रेल दौड़ेगी किस पर। एक हरि निर्मल जाका अंतन पार, मेले हैं ब्रह्मांड के ईस, मेले निसिबा सर दिन तीस, मेला मोती मेला हीरा, मेला पवन पावक अरुणीरा, मेले शिव शंकर महेश, मेले सिद्ध साधक अरुबेश, मेले जोगी जंगम जटा समेत, मेली काया हंस समेत, कहें कबीर ते जन परवान, निर्मल तेजो नाम ही जान। एक हरि निर्मल जाका अंतन पार। सत्य नाम और सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के अलावा रचना के सभी धनी या अधिकारी, सभी तत्व, सभी पदार्थ, सत्य देश के अलावा कुल बाकी की रचना, सभी देवी देवता, सभी अवतार भी विकार युक्त हैं, अधूरे हैं और मेले हैं। वे हमारे यानी जीवों के प्रेम करने के काबिल नहीं हैं। अधूरों से प्रेम करने का क्या फायदा, जो खुद ही अधूरा है, जो खुद ही काल और माया के अधीन है, वह हमारा स्वामी और हमारा प्रेम पात्र नहीं हो सकता। देवी देवता तीनों प्रधान देव ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी अवतार ब्रह्म व पार ब्रह्म, सभी काल यानी मौत के भी अधीन हैं। वे हमारे जन्म मरण के रोग को नहीं मिटा पाएंगे। जो खुद ही भव रोग से ग्रस्त हैं, वे हमारे रोग को कैसे मिटाएंगे। इसलिए संत मत में एक सच्चे मालिक को, जो सबका आधार जन्म मरण के पार जीव का सच्चा स्वामी है, उसी का इष्ट धारण करने की आज्ञा देते हैं। संतों ने ही जगत में उस प्रभु का भेद प्रकट किया है। उसी प्रभु को संतों ने सत्य पुरुष सदगुरु दयाल कहा है और उनके निज धाम को सत्य लोक कहा है। नहीं गाढ़ा नहीं जीना कहिए, नहीं सूक्ष्म नहीं बारी, बाला तरुणा बूढ़ा नहीं, ना वह पुरुष न नारी, नहीं दूर नहीं निकट हमारे, नहीं प्रगट नहीं गूजे, ज्ञान आंख की पलक उगारो, जब देखो रे सूजे, वासु उत्पत्ति पर लय होवे, वह दो ते न्यारा, चरण दास सुख देव दया से, सोई तत् निहारा। इस संसार और सृष्टि संचालन के सभी नियम उसकी रजा से बने हैं। कर्म और कर्म फल का विधान, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का विधान, पाप पुण्य और उसके फल, सुख दुख का विधान, जीव का भवसागर में आना और काल के जाल से वापस छूटना भी उसकी रजा पर निर्भर है। इसलिए संतों ने कहा है कि बंद खलासी हुक्मी होए, यानी जीव को बंधन में डालना और फिर बंधनों से आजादी देना, ये दोनों ही परमात्मा के हुक्म से होते हैं। कोई अपने प्रयत्न कोशिश और चतुराई से भी प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रभु ने सभी जीवों के अंदर वह शक्ति रखी है कि जिससे जीव वापस लौट कर उसको प्राप्त कर उसमें मिलकर उसका रूप ही हो जाए।
आदि में भी जीव या सुरत उसी से प्रकट हुई और अंत में भी उसी को प्राप्त करेगी। वह प्रभु ऐसा चाहता भी है कि जीव उससे वापस आकर मिल ले। मालिक सदा से इस इंतजार में भी है कि जो जीव उससे वापस मिलने की इच्छा जागृत करके उससे मिलने का प्रयत्न करते हैं, प्रभु उनसे बेहद प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्तों की बड़े प्रेम से गुरु रूप में आकर मदद भी करते हैं। प्रभु की प्राप्ति। ऐसे अचरज प्रभु को संतों ने पाया है, इसे वे स्वीकार करते हैं तथा जो कोई उनकी शरण लेकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसे संत कृपा करके प्रभु से मिलाते हैं। हमारा यही शरीर प्रभु का मंदिर है, हम भी अपने इसी शरीर रूपी मंदिर में जाकर उसका दर्शन कर सकते हैं। संत मत नकद का सौदा है या उधार का काम नहीं। यदि जीते जी अभ्यास के द्वारा अपने घट में जाकर मालिक के दर्शन न कर सके तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या प्रभु मिल जाएंगे, इस बात का क्या भरोसा है, सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी जो ऐसा आश्वासन देते हैं उसमें हमारे साथ छल या धोखा होने की गुंजाइश है। इसलिए सभी संतों के उपदेश का यह मुख्य भाग है। संतों ने कहा है कि आओ अभ्यास करके उस निर्मल महान दिव्य सुंदर शुभ और प्रेममयी प्रभु के दीदार अपने घट में ही कर लो। जबानी जमा खर्च में न रहो और जीते जी अपनी आंखों से उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लो जिसका कि बयान मुंह से किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। संतों का आदर्श और प्रिय उपदेश यह भी है, आज करो और अब ही करो और कल यानी आने वाले दिन का भरोसा कभी न करो। कल तो काल के हाथ में है, समय की कीमत करो। जो पानी गंगा जी में आज बहकर चला गया वह कल या किसी भी दिन वापस लौट कर नहीं आएगा। समय का दस्तूर और बर्तावा कुछ इसी तरह का है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी, बौरी करेगा कब। जो आज और अभी नहीं कर पाएंगे वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो कल पर भरोसा कर लेते हैं वे भूल से काल पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि कल यानी आने वाला समय भविष्य काल हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह से आलसी और प्रमादी व्यक्ति अपना नुकसान आप करते हैं। आलसी अपने पांव पर खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारता है। उपनिषद में भी उपनिषदकार यही उपदेश देते हैं। कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरक्षधारा निशिता दुरुत्यया दुर्गम पत स्तक वयो वदंती। जागो उठो और परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, जब तक अपने असली ठिकाने पर न पहुंच जाओ रुको नहीं। जो शक्तियां आत्मा के अंदर प्रकट हैं वे सभी परमात्मा में हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सभी गुण या जोहर परमात्मा से ही आत्मा में आए हैं। प्रभु ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। आत्मा चेतन तो प्रभु चेतना का भंडार ही है। आत्मा में ज्ञान प्रकाश और सुख की चाह मौजूद है। वही इस बात का प्रमाण है कि आत्मा ज्ञान समुद्र प्रकाश रूप और सुख सिंध परमात्मा की अंश है। अंश में अंशी के ही गुण होते हैं। सूरज की किरण सूरज के समान ही होगी। जल के भंडार समुद्र और समुद्र की लहर की तासीर क्या अलग अलग हो सकती है। पुत्र पिता का अंश और आत्मज है। सुरत जीवात्मा के स्वभाव में प्रेम है तो वह प्रभु भी प्रेम का भंडार है। हमारे निज तत्व या स्वयं का स्रोत हमारा प्रीतम और स्वामी वही हमारा भगवंत है।
जिस तत्व या मसाले से हमारी आत्मा बनी है उसी तत्व के भंडार को परमात्मा कहते हैं। बीज से ही जैसे पेड़ का निर्माण होता है उसी प्रकार प्रभु से ही सब रचना होती है। चेतन से ही चेतन का विस्तार या रूप परिवर्तन हुआ है। अचेतन या जड़ अपने आप में कोई तत्व या पदार्थ ही नहीं है, जड़ केवल चेतन की कमी की दशा है। माता के पेट में रहकर बालक पलता है, वह माता के पेट में रहता है, माँ से ही उसे पोषण मिलता है। इसी तरह सच्चे साहिब से जिसके कि हम अंश हैं, हम बंधे हुए हैं, उससे जुदा नहीं है और न कभी जुदा हो सकते हैं। सत्य से जुदा होने की कल्पना भी असंभव है, फिर भी मान लें कि कभी ऐसा हो जाए तो उसी क्षण इस सुरत जीवात्मा का और पूरी खिलकत का फिर अस्तित्व ही नहीं बचेगा। सत्य से जुदा होकर केवल नष्ट होना है। एक माँ का बच्चे के साथ सहज और हार्दिक प्रेम का नाता है, इसलिए माँ चाहे या न चाहे बच्चे का पालन पोषण उसके द्वारा होता है। हालांकि दुनिया की माता स्वयं परवश होने के कारण यहाँ संसार में कभी कभी यह क्रम टूट भी जाता है, किंतु प्रभु से हमारा रिश्ता शुद्ध और केवल्य प्रेम पर आश्रित होने से वह रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता। दूसरे भगवंत सर्व समर्थ भी हैं, वे दुनियावी माता की तरह परवश नहीं है, वे माटी के खिलौने की माता नहीं है। वे प्रभु कभी हमारे से जब से रचना हुई है कभी एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए हैं और न हमें भूले हैं। वे प्रभु ही यदि बेसुध और बेपरवाह हो जाएं तो सूरत किसके भरोसे आश्रय विश्वास और किस आधार पर टिकेगी। फिर प्रभु के बीच अंतर या जुदाई का मूल, हमारे वियोग का मूल या हमारे दुखों का मूल क्या है? हमारे दुखों और जुदाई का कारण है अहंकार। यदि बालक सयाना न हो, चतुराई न सीखे, माँ पर पूरी तरह आश्रित रहे तो माता के लिए तो वह फिर सदैव अबोध शिशु ही रहेगा, चाहे उम्र में बड़ाई क्यों न हो जावे। कीमत प्रेम की है, सरलता, सादगी, निष्कपट दीनता, प्रेम और व्याकुलता के साथ भगवंत को पुकारें तो भगवंत हाजिर हैं। अबोध शिशु के माता क्या कभी अवगुण देखती है तो वह हमारा प्यारा पिता क्या निष्कपट शरणागत प्रेमी पुत्र के अवगुण देखेगा? जो निराकार अरूप और अनाम है, जिसका वर्णन ही कोई नहीं कर पाया है, न कभी कोई उसका वर्णन कर पाएगा, ऐसे परम तत्व को भी प्राप्त कर लेना निहायत ही सरल है। संत कहते हैं कि इससे सरल तो कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। निराकार और साकार के झगड़े व्यर्थ और फालतू हैं। संत मत इन झगड़ों से परे है। वही महानतम प्रभु प्रेम के वश अपने भक्तों के सामने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए जैसा भक्त चाहते हैं वही रूप धारण करके सरगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे समुद्र के विशाल जल राशि में ठंडक से बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, वैसे ही भक्ति की कशिश और प्रेम के प्रभाव से वह निराकार निर्गुण मालिक अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जैसा भक्त चाहते हैं भक्त की चाहना के अनुसार ही रूप धारण करके उसे दर्शन दे देते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगन जैसे। चाहे कोई निराकार माने चाहे साकार, कोई माता कोई पिता कोई स्वामी कोई मित्र और कोई पति मानकर उससे प्रेम करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत केवल उस प्रेम की है, जिस प्रेम की आतुरता से उसे पुकारा जाता है उसी की कीमत है। अद्वैत और द्वैत के झगड़े में संत कभी नहीं पड़ते। सच्चा अद्वैत और सच्चा द्वैत जैसा कुछ है भी नहीं। भक्ति भक्त और भगवंत की त्रिपुटी यानी प्रेमी प्रेम और प्रीतम की त्रिपुटी तो अद्वैत में भी कायम है। सद्गुरु कबीर साहब ने इसी बात को इस तरह से फरमाया है। एक कहो तो है नहीं,
दो ये कहो तो गार है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। इसलिए संत मत में प्रभु की उपासना, याद, सुमिरन और बंदगी में बाहरी दिखावे की रस्म रिवाज पर कतई जोर नहीं दिया गया है। सारा जोर या वजन प्रेम भाव पर है। हजरत मूसा एक बार जंगल में से गुजर रहे थे, तब वहां जंगल में देखा कि एक आदिवासी चरवाहा एक पेड़ की छाया में बैठा मालिक को इस तरह रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, ए प्रभु तू दया कर और मुझे दर्शन दे, तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपनी भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरे बालों में कंघी करूंगा, प्रभु तू आ, मैं तुझे भेड़ों की ऊन के नरम नरम कपड़े बनाकर पहनाऊंगा ताकि तुझे ठंड न लगे, तू मेरे पास आ तो सही। चरवाहा मस्त था और प्रेम से रोते रोते प्रार्थना कर रहा था। हजरत मूसा ने जब ऐसा देखा तो उसे डांटा, अरे नादान गडरिये, तू तो मूर्ख है, तू काफिर है, तू खुदा को क्या अपने जैसा इंसान मानता है? तोबा तोबा, अपने गुनाहों के लिए खुदा से तोबा कर। मूसा तो चले गए किंतु सरल और भोला चरवाहा अफसोस करने लगा और फिर ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। सोचता है कि मैं सचमुच बड़ा मूर्ख हूँ, मैं खुदा को क्या जानू, हाय मैंने खुदा की सेवा बंदगी तो करी नहीं बल्कि उनके शान में गुस्ताखी जरूर कर दी, मैं बेअदबी का गुनहगार हूँ, हे मालिक मुझे क्षमा कर, हाय अब मैं क्या करूं। भेड़े चराने वाला इस तरह से ज्यादा दुखी होकर रो रो कर पहले तो बेहाल हुआ, फिर दुख से बेहोश हो गया। उसके सरल और निश्चल प्रेम को देखकर मालिक ने उसे दर्शन दिए, उससे हंसकर बोले, अरे बावले तू रोता क्यों, अरे ले तेरी भेड़ों का दूध पीने हम तो आ भी गए, ला तेरा दूध किधर है, तू चिंता मत कर, हम तेरे हाथों से अपने बालों में कंघी भी करवाएंगे और तेरे दिए वस्त्र भी पहनेंगे, भैया तू जो भी खिलाएगा वही खाएंगे, अब तू रो मत, चुप हो जा। प्रभु ने उस चरवाहे के सिर पर प्रेम और संतावना भरा हाथ रख दिया। अब चरवाहा वापस खुश हो गया, वह तो भोला भक्त था। इधर हजरत मूसा जब ध्यान करने बैठे तो खुदा ने दर्शन दिए और उनको हुक्म हुआ कि ए मूसा, अकल वालों के अदब और आदाब के अलग तरीके हैं और जो प्रेमी सूरतें प्रेमी रूहें हैं उनके अदब और आदाब अलग तरह के हैं। तुमको तो हमने दुनिया में बिछड़ी हुई रूहों को हमसे वापस जोड़ने के लिए भेजा था, जबकि आज तुमने पहले से ही एक हमारे से जुड़ी हुई प्रेमी रूह को हमसे तोड़ दिया है। ए मूसा जा और जाकर उस गडरिये से माफी मांग। हजरत मूसा ढूंढते ढूंढते उस गडरिये के पास वापस पहुंचे और उससे नम्रता से कहने लगे, भैया चरवाहे मुझे माफ कर दे, मैंने नासमझी में तुझे डांट दिया, अब मुझे समझ में आ गया कि तू काफिर यानी मनमुख नहीं है, तू तो एक सच्चा मोमिन है। चरवाहा बोला, हजूर आप अपना दिल छोटा क्यों करते हैं, आपके आशीर्वाद से तो आज मुझे भी खुदा के दर्शन हो गए हैं, जो आपके पास आया था वह मेरे पास भी आया था, यह है प्रेम की महिमा, संत मत का अटल नियम है और यह नियम सनातन है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए केवल सच्चा प्रेम चाहिए, जिसका कोई रूप ही नहीं हो सकता या जिसके अनंत रूप हैं, वही सत्य स्वरूप प्रभु प्रेम से रूप धारण करते हैं। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम वस सगुन सोई। प्रेम के ही वस होकर वह प्रभु नाम रूप धारण करके अस्तित्व में प्रकट होता है। सत्य सदा ही अस्तित्व की लहर है, भगवंत तो भक्तों के वश में है और भक्तों ने अपना दीन ईमान दुनिया और अपना आपा भगवंत पर लुटा दिया है और प्रीतम के रूप होकर ज्योत में ज्योत की तरह मिल गए हैं। मेरे तन तन लग गई पिय की मीठी बोल, पिय की मीठी बोल सुन
सुनत में बही दीवानी, बामर गोपा के बीच उठत है सोहम बानी। देखा पिय का रूप रूप में जाय समानी, जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी। प्रीत पुरानी रही लिया हमने पहचानी, मिली ज्योत में ज्योत सुहागिन सूरत समानी। पलटू शब्द से सुनत ही घूंघट डारा खोल, मेरे तन तन लग गई पिया की मीठी बोल। संत मत के अनुसार उस प्रीतम का मिलाप केवल प्रेम से ही संभव है, और प्रेम प्राप्ति के साधन हैं संतों की कृपा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का रीझना, सुमिरन, ध्यान, भक्ति, श्रद्धा, सेवा, साध संग, सत्संग, भाव, उमंग और संत मत का शब्द का अभ्यास और दीनता के भाव से की गई प्रार्थना। प्रभु के दीदार किसी ऐसे बिरले बड़भागी को होते हैं जिसके लिए धुर घर से आज्ञा जारी हुई हो, अथवा जगत में किसी पर पूर्ण संतों की कृपा दृष्टि पड़ गई हो। सभी परमार्थी करने का फल और अध्यात्म का सार प्रभु का दर्शन ही है। हमारा मन ही इस समय हमारे और हमारे भगवंत के बीच में बड़ी रुकावट है। मन के पीछे प्रेरक शक्तियां काल और माया की है। काल की शक्ति दयाल पुरुष की विरोधी शक्ति है और माया छल तथा भुलावे की शक्ति है। यह शक्तियां प्रेमी सूरत का प्रीतम प्रभु से मिलाप में रुकावट या रोड़ा बनकर बीच में खड़ी है, और इन सभी विघ्नों से केवल प्रेम से ही पार पाया जा सकता है। सिर पर कफनी बांध के आशिक कबर खोदा, पलटू मेरे घर में तब को राखे पाँव। सब मत आदि की प्रेम बतावे, जोग जुगत सू बड़ा बतावे। प्रेम सू उपजे बेराग, प्रेम सू उपजे मन त्याग। प्रेम भगति सू उपजे ज्ञाना, होय चांदना मिटे अज्ञाना। दुर्लभ प्रेम जुहातन आवे, हरि कृपा कर दे तो पावे। सत्य स्वरूपी प्रभु का वर्णन करने या गुण गाने का प्रयत्न सभी ने किया, क्योंकि ऐसा करना भी प्रेम प्रेरित है। ग्रंथ के ग्रंथ लिख डाले गए, अनेक लोग उस प्रभु के गुण गागा कर अपना जीवन सफल करके चले गए, और अनेक अभी भी वे निर्मल गुण और महिमा गा रहे हैं। किंतु यह विषय सदा ही नया था, अब भी नया ही है और नया ही आगे बना रहेगा। नेति नेति नेति, सदियों फिलासफी की चुना ओ सुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। है दिल में दिलदार सही, अंखियां उलटी करता ही चितइये। आप में खाक में बाद में आतस, जान में सुंदर जान जनइये। नूर में नूर है तेज में तेज, ज्योति में ज्योति मिले मिली जैसे। क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजइए।